नमस्कार बच्चों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी अंग्रेजी एवं संस्कृत कक्षा आठ से अंग्रेजी का एक लेसन सॉल्व करेंगे जो कि है लेसन एट द मून वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू वर्ड्स दिए गए प्रश्न का उत्तर एक या दो शब्दों में लिखें राइट द राइमिंग वर्ड्स

चूहा चीख रहा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन थ्री सेंटेंसेस दिए गए प्रश्न का उत्तर एक से तीन वाक्यों में लिखें क्वेश्चन नंबर फोर राइट द नेम ऑफ द फोर एनिमल्स मीन इन द पोईम द मून द मून कविता में दिए हुए चार जानवरों के नाम लिखिए फर्स्ट इज कैट सेकेंड रैट थर्ड डॉग फोर्थ बैट बिल्ली चूहा कुत्ता और चमगादड़ ये चार पशु जो कविता में दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट डू द बर्डीज डू वैन द मून साइंस जब चंद्रमा चमकता है तब पक्षी क्या करते हैं वैन द मून साइंस जब चंद्रमा चमकता है द बर्डीज अ स्लीप इन द फॉर्स ऑफ द ट्रीज पक्षी पेड़ों की डालियों पर सो जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोइम द मून विच यू लाइक द मून कविता का एक पैराग्राफ लिखिए जो आपको पसंद हो द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक ऑन द हॉल चंद्रमा का चेहरा हॉल में लगी हुई घड़ी के जैसा है सी साइंस ऑन द थीप्स ऑन द गार्डन वॉल ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हार्बर क्वेज एंड बर्डीज asleep इन द फ्स ऑफ द ट्रीज यह बाग के दीवार पर चढ़े चोरों गलियों खेतों और बंदरगाहों के घाटों तथा पेड़ों की टहनियों के बीच सोई चिड़ियों सभी पर रोशनी बिखेरता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन फाइव सेवन सेंटेंस दिए गए प्रश्नों को उत्तर पांच से सात वाक्यों में लिखें रीड द नेम ऑफ द एनिमल्स एंड राइट द साउंड मेक एनिमल्स के जानवरों के नाम लिखने हैं और उन जानवरों द्वारा निकाली गई आवाज को लिखना है कि वो किस तरह की आवाज निकालते हैं एलिफेंट जो एलिफेंट होते हैं वो ट्रम्पेटिंग वे चिगाड़ते हैं कैट म्यूंग बिल्ली जो होती है म्याऊ म्याऊ करती है लायन रोरिंग सिर दहाड़ता है डॉग बार्किंग कुत्ता भोगता है हॉर्स घोड़े हिनहिनाया करते हैं वीज वजिंग मक्खियां भिन भिनाती हैं डंकी ब्रेज गधा जो है ढैंचैचू करता है असेसमेंट फोर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन टू वर्ड्स दिए गए प्रश्न का उत्तर एक या दो शब्दों में लिखें पिक द ऑडवर्ड एंड राइट इन द गि बॉक्स ऑडवर्ड छांटना है सन स्टार्स ट्रीज मून सूरज तारे और चंद्रमा ये आकाश में होते हैं पेड़ आकाश में नहीं होते तो ट्रीज जो है ऑडवर्ड हो गया ठीक है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन थ्री सेंटेंस एक से तीन वाक्यों में उत्तर देना है वेयर डज द मून साइन चंद्रमा कहाँ चमकता है द मून साइंस ऑन थीव्स द गार्डन वॉल स्ट्रीट फील्ड्स हार्बर क्वेज एंड बर्डीज ईटीसी चंद्रमा चिड़ियों बंदरगाहों खेतों गलियों बगीचे की दीवारों और चोरों पर चमकता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन फाइव सेवन सेंटेंस दिए गए प्रश्न के उत्तर पांच से सात वाक्यों में लिखना है क्वेश्चन नंबर थर्ड है अकॉर्डिंग टू यू आपके अनुसार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मून एंड द सन राइट आपके हिसाब से चंद्रमा और सूरज में क्या अंतर है लिखिए द मून आर सिंपली मेड अप द रॉक्स जो चंद्रमा है वो साधारणतया चट्टानों से बना है बट द सन इज मेड अप ऑफ हॉट क्लाउड्स ऑफ ग्लास सूर्य है वो कांच के गर्म बादलों से बना हुआ है द मून रिबोल्स अराउंड द अर्थ चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है बट द सन रिबोल्स अराउंड इट्स ओन एक्सेस और जो सूर्य है वो स्वयं की धूरी पर घूमता है इस तरह से आपका पूरा लेसन सॉल्व हो गया मिलते हैं अगले लेसन में और सबसे पहले किसी भी लेसन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए Thanks for watching.